विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं, उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर क्योंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें, उसके लिए कहीं ना कहीं अप्रवासी ये जो भाई बहन हैं उन सब के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए और निवेश प्रस्ताव से संबंधित सभी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े, किसी को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। कई बार विदेश के लोग जो राज्य से हमारे देश से दुनिया में अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से एक मुकाम हासिल करके बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उनको कई बार रास्ता नहीं मिलता कि वो किस रास्ते से आए। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते हों उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ पूछना होगा? कितने का प्रस्ताव अभी आप तक मिला है? अभी 12,500 करोड़ के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए, उस पर हमारे निवेश पर करार हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने हमको और भी प्रस्ताव दिए हैं। जिस पर निर्णय होना बाकी है उस पर कितने का प्रस्ताव होगा? नहीं, एक बड़ी संख्या है और इसमें अलग अलग लोगों ने कहा है, चूंकि ज्यादातर सेक्टर हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है और प्राकृतिक खेती के संबंध में है, अनेक क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक से अच्छे अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जो करार है उन करार भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, 12,000 निवेश प्रस्तावों पर करार हो गया, 12,500 करोड़। तो कितना लगभग सरकार की क्या उम्मीद है सर? नहीं, अब ये तो अभी शुरू किया है हमने और हमें लगता है कि ये हमारा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि तो पहले भी हमको लगभग 1,26,000 करोड़। नहीं, अभी इस बार जो हम लोगों ने शुरू किया है अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। इसके अलावा अलग से भी लोग आ रहे हैं, तो अब ये काम शुरू हुआ है और आप सब लोगों के स्नेह से और आप सब लोगों ने लगातार जो सहयोग दिया है, जितने भी हमने कार्यक्रम 17 अगस्त से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों का आप एक बन रहा है और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने वहाँ देखा कि लोगों ने, चूँकि मैं उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्ताव के लिए गया था लेकिन पूरे देश के लिए लोगों में दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में इंग्लैंड में जाकर मैंने देखा कि एक सकारात्मक माहौल पूरे भारत के अंदर निवेश का बना है। सर, उत्तराखंड एरोमेटिक प्लांट्स और औषधीय पौधों का धनी है, तो क्या इस तरफ भी इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अरोमा का हमने पहला पार्क स्थापित करने के लिए
काशीपुर में उसका भूमि पूजन कर दिया है, जल्दी ही हमारा काम उस दिशा में हो रहा है। और एरमो बोलियां हमारे यहाँ पहले से ही बनाई जा चुकी हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर थोड़ा सा जैसे टूरिज्म में किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, इसके थोड़ा सा टूरिज्म में स्कीइंग में है, और हमारा ये जो राफ्टिंग का क्षेत्र है, रोप वे है, और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें लोगों ने अपनी विशेष रूप से रुचि दिखाई है। और साथ ही जो होटल का जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में भी लोगों के हमें अच्छे बड़े समूह के जो है प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए। राहड़ी जिलों के लिए भी लोगों ने बात की है, और जो हमने भी जो नीति बनाई है उसमें जो हमारे चार जिले हैं, चार जिले मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी हमारे उद्योग और इस प्रकार के जो समूह हैं वो कार्य कर रहे हैं, नौ जिले जो हमारे पर्वतीय जनपदों में हैं, उनमें विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार के क्षेत्रों में लोगों ने रुचि दिखाई है। और हमें लगता है कि अभी हमने एक शुरुआत की है, और हमारा मकसद भी यही है कि एक समन्वय के साथ, संतुलन के साथ, और हम जो इंडस्ट्री वहाँ पर जा सकती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हमने अपनी नीति में इस प्रकार की व्यवस्था की है। सर, बड़ा सर जो बॉर्डरिंग वाले जो विलेज हैं उनमें विशेष जो समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कहीं नहीं अभी तक रोड और सबकी बात, तो उनको लेकर भी कुछ विशेष प्लान ऐसा कुछ समिट के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसा हो जैसे वो वहाँ डेवलपमेंट हो। देखिए, वाइब्रेंट विलेज की जो योजना है वो भारत सरकार की पहले से भी योजना है, और हम राज्य की तरफ से भी उस योजना में टॉप अप कर रहे हैं, उसको योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी पहले चरण में भारत सरकार ने हमारे चार गांव जो बहुत सीमांत के एक मॉडल गांव के रूप में लिए थे, नेकी, माणा, मलारी और गुंजी, तो ये बिल्कुल सीमांत के गाँव हैं, तिब्बत बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से राज्य की तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के जो हमारी योजना है, सीमांत गांव हमारे जो है विकसित हों, वहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है वो तो बढ़े, और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, दो सेक्टर बहुत प्राथमिक हैं, और हम कोशिश करेंगे जितने भी निवेशक जो समूह आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस ओर, और बहुत सारे लोग उत्तराखंड में सेवा के लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। सर, किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश हो रहा है या निवेश होने की संभावना है? अभी देखिए, उद्योग सेक्टर में तो है ही है, लेकिन जो इंग्लैंड दौरे पर मैं गया था तो वहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र में लोगों ने विशेष रूप से रुचि दिखाई। सर, हमारी सरकार भी जो है वो मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, उत्तराखंड का मिलेट जो है वो अभी हाल ही में देखा कि दैट इज बेस्ट मिलेट, और डोमेस्टिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। जब इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, NRIs आएंगे, क्या प्लानिंग है उनको भी डोमेस्टिक जो हमारा जो उत्तराखंड का मिलेट है तो उसको उनको सर्व किया जाएगा? नहीं, उत्तराखंड की जो हमारी मूल संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो उसकी तर्ज पर पूरी तरह से उत्तराखंड का उनको, जैसे G20 में लोगों ने पूरा भारत देखा, उसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को पूरा देश दिखाया और देश की संस्कृति दिखाई, हम भी प्रयास करेंगे उत्तराखंड जो है लोगों को दिखे, हर चीज में दिखे, वो चाहे खान पान होगा या अन्य चीजें। नहीं, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, और विशेष रूप से बहुत सारे लोग जो भारत के ही अप्रवासी भारतीय हैं वह बड़ी संख्या में हैं, और उनके पहले से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अनेकों निवेश हो रखे हैं पहले से, ऐसे लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़ी संख्या हमको इस प्रकार की भी मिल रही है कि जो पहले से ऑलरेडी जिनके उद्योग समूह चल रहे हैं उन्होंने भी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में आगे अपना विस्तार करने का भी मन बनाया है समिट के बाद। सर, अगर हेल्थ की बात करें तो जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो उसको लेकर क्लाइमेट को लेकर फिर आगे भी चैलेंजेस आएंगे सर, आप जानते हैं जितना फ्रेजाइल आपका है। देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है, इसलिए उत्तराखंड में हमने एक काम शुरू किया है, क्योंकि हर साल हमको आपदा के रूप में, अन्य रूपों में
हर साल कभी अधिक वर्षा होने के कारण से, कहीं भूस्खलन होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से, इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी हमने विकास का मॉडल भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, और विशेष रूप से अमृत काल के लिए, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करे, उस प्रकार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, वो किसी प्रकार से भी जो है प्रभावित न हो। और हम तो चूंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण देने का काम देवभूमि से होता है, हिमालय से होता है, तो हिमालय सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हम उसकी चिंता करने के लिए इस साल एक बड़ा काम और भी हम करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ा हम सेमिनार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं विश्व स्तरीय। नहीं, उस पर चर्चा के लिए एक मंथन चिंतन शिविर और विशेषज्ञ लोगों का एक सेमिनार भी आयोजित है। कब करेंगे ये सेमिनार? अब वो ये नवंबर के माह में। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी रोड शो करेंगे? हाँ, अलग अलग राज्यों में भी करेंगे, और इसके लिए कुछ स्थान हमने तय किए हमारे अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली में हो ही रहा है, और मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होगा, बेंगलोर में भी हमारी अभी टीम गई।